और ये अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं। आप इस वीडियो में देखें, ये हरिंदर रामरतन है, होडल से, जो होडल से बीजेपी के कैंडिडेट। एक ये बूढ़ी अम्मा आपने देख लिया जी, इसके पैर में लंबा लेट रहे और बुढ़िया डर गई। हाँ, ये क्या हुआ? आज का कल्चर हो गया, आज तो लड़कियां बुलाई जाती हैं वहां पर, उसमें अश्लील अश्लील नृत्य होता है, बद्दे इशारे करती है। ये वीडियो में देखिए, आप दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, मैं जानना ये चाह रहा हूँ सुरजेवाला जी, ये राजनीति का कौन सा स्तर है, गिरा हो सकता है? मैं तो ये कहूँ राजनीति को लोगों ने दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में इस समय चुनाव चल रहा है, जब चुनाव चलता है तो फिर रंग चुनावी होते हैं, दिशाएं चुनावी होती हैं, हवाएं चुनावी होती हैं, माहौल चुनावी होता है और मौसम चुनावी होता है। तो ये चुनावी मौसम है और हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर तक चुनावी बयार बहेंगी। मैं आपसे कह रहा था चुनाव के रंग, चुनाव के रंग होते हैं। आप जाएं तो पार्टी प्रत्याशियों के दफ्तरों पर भंडारे मिलेंगे आपको, पूड़ी और आलू का झोल चल रहा होगा, कहीं हलवा बन रहा होगा। उसके बाद आप जाएं तो प्रत्याशी नारे लगाते हुए मैदान में होंगे वोट मांगने के लिए, कोई हाथ जोड़ रहा होगा, कोई सर झुका रहा होगा, कोई लंबा लेट रहा होगा। इसलिए मैंने कहा आपसे, चुनाव के रंग हैं। ये चुनावी रंग होते कैसे हैं? प्रत्याशियों का जो अंदाज होता है वोट मांगने का, क्या उनके अंदर एकदम से इतनी नरमी और उनके व्यवहार में इतनी कुशलता आ जाती है, या 20 दिन के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग होती है? क्योंकि चुनाव बहुत करवाए हैं सुरजेवाला जी ने जी। देवेंद्र सुरजेवाला जी आप परिचित हैं, राजनीति के बारे में बहुत गंभीर जानकारी रखते हैं और हरियाणा सरकार के बड़े अधिकारी रहे हैं। सुरजेवाला जी, चुनाव तो बहुत कराए होंगे आपने भी जी, कभी आर ओ भी रहे? हाँ बिल्कुल, रिटर्निंग ऑफिसर भी रहे होंगे बिल्कुल, पंचायत के एक पंच के वार्ड से लेके और पार्लियामेंट तक, मतलब गांव के मेंबर से लेके और देश के मेंबर तक सारे चुनाव करवा रखे। दूसरा ये भी मैं ऐड कर दूं, बीइंग लॉ ग्रेजुएट और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते, राष्ट्रपति के चुनाव, पंचायत के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक की प्रक्रिया क्या, वो सारा कुछ पढ़ा भी है और उसमें जानकारी भी, टेक्निकल हो गई वो तो, हाँ वो रखी भी और है। जो फिजिकल है, जो कैंडिडेट वो भी देखा है, वो जानकारी, हाँ बिल्कुल। आजकल मैं चुनाव प्रचार देख रहा हूँ जी, मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था जी, और ये अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं जी। आप इस वीडियो में देखें, ये हरिंदर रामरतन है, होडल से, जो होडल से बीजेपी के कैंडिडेट जी। एक ये बूढ़ी अम्मा आपने देख लिया जी, उसके पैर में लंबा लेट रहे और बुढ़िया डर गई है। हाँ, ये क्या हुआ? ये ठीक क्या बात हुआ? हाँ। और बूढ़ी अम्मा एकदम भागी है। नहीं, बूढ़ी अम्मा को इस बात का डर लगा कि आज ये लेट रहे हैं, कल हमें ना लेटवा, कल हमें लेटा देंगे। हाँ, क्या बात है जी। मतलब ये इतनी नरमी, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ जी, आपने बहुत चुनाव बड़े पास से देखे हैं जी, बड़े बड़े नेताओं के देखे होंगे जी, और गांव पंचायत का आप आर ओ पंच मेंबर तक रहे हो तो वो भी देखे होंगे। नहीं, मैं बता रहे, मैं आपने बता ही दिया। हाँ जी, तो ये जो नरमी आती है जी कैंडिडेट्स में जी, इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है क्या? हाँ, कुछ हद तक तो होती है, जैसे आपने हरिंदर रामरतन के बारे में कहा। अच्छा, पहले एक और देखो जी, ये तो आपने देखा बुढ़िया अम्मा है जी, ये गौशाला है कि साध्वी है चित्रलेखा जी, उसमें तो लंबे दंडवत हो रहे हैं जी, इसमें अभी घुटमन हो रहे हैं जी। नहीं, बहुत कुछ है ऐसा चुनाव के दौरान। ये तो मैं वही पूछ रहा था जी जी, ये स्पेशल ट्रेनिंग होती है कोई, या एक कैंडिडेट के बारे में मुझे बताते थे। नहीं, ट्रेनिंग तो उनको ये घुटी में मिली है। अगर कोई पारिवारिक जिसका बैकग्राउंड रहा हो राजनीति से, अब आपने नाम जो बताया हरिंदर रामरतन, वो रामरतन के बेटे हैं जी, और पीछे हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी एक सभा में आए थे और उसमें रामरतन जी ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली थी, तो भाजपा में थे। हाँ, हाँ, उनको स्टेज पे बोलने नहीं दिया। आप औरंगाबाद की सभा की बात कर रहे हो, औरंगाबाद में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो सभा थी जी, उसमें उनको बोलने नहीं, हाँ, का मौका नहीं मिला। हाँ, और इसी बात से वो फूट फूट कर रोए,
और इस तरह से कि भी जैसे उनके साथ कुछ बहुत बड़ा अन्याय हुआ या उनसे कुछ छीन लिया गया, नेशनल मीडिया का चर्चा बना हुआ। हाँ, तो वो तो वही ट्रेनिंग तो घर में से मिलती है और वो उनका बच्चे हैं, स्वाभाविक तौर पर वो उसका फायदा तो उठाएंगे ही उस ट्रेनिंग का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो कैंडिडेट होते हैं चुनाव में, जी हाँ जी, इनको लगता है कि अगर ये मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए, भ्रमित ही करना कह दूं, हाँ बिल्कुल भ्रमित ही तो करना है, हो भी जाते हैं। एक कैंडिडेट थे प्रथला के, जी 2019 का चुनाव था, बात करते हुए हंसी आती है इनके ऊपर, जी नैनपाल रावत जी, लोग बताते थे, वो कहते थे इनकी धर्मपत्नी जाती थी जी, वो कहती थी सफ़ेद साड़ी संग लेके चल रही हूँ, अगर यू नहीं जीता हो तो सफ़ेद साड़ी पहनाती हूँ। वो बहुत करते हैं साड़ी, नैनपाल रावत आंसुओं से रोता था, सुसाइड कर लूँगा और ये कर लूँगा और वो कर, बिल्कुल। और 5 साल प्रथला को ऐसा सुसाइड करवाया नैनपाल रावत ने। अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, हमारे बच्चे, हमारे स्टाफ के लोग गए हुए थे, कुछ लोगों को साड़ी तो नहीं, सफेद साड़ी तो नहीं कहना, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, पर वो लोग इतना गुस्सा थे, नाम मत लो उनका, सीधा कहते थे जी। ऐसा ऐसे चरित्र आपको हरियाणा की राजनीति में बहुत मिलेंगे। दादा गौतम, हाँ, 2005 का चुनाव जो लड़ा, वो सीधे कहते थे या तो वोट दे दो या लकड़ी। लकड़ी का मतलब ये था कि भी मेरे जो दाह संस्कार, काठी, काठी होती है, काठी बोलते हैं, कफन काठी, जो कफ लकड़ी चिता पे सीधा भी वो लकड़ी दे दो मुझे या वोट दे दो, तो वो भी करते थे। चुनाव जीत गए थे उस टाइम। और एक पहले का मैंने चर्चा किया, भाजपा से पहले बने थे उस टाइम, 62 का मैंने जिक्र किया था पीछे, जो दलबीर सिंह चुनाव लड़ रहे थे और उनके मुकाबले में एक नए वो आए थे, अमर सिंह धानक। अब वो लॉ ग्रेजुएट थे वैसे अमर सिंह धानक, उन्होंने जो चुनाव लड़ा उनकी भी एक यही अदा थी कि वो एक मग जैसा वो होता है ना, वो फौजी रखते हैं, तामचीनी का बोलते हैं, हाँ, वो मग रखते थे और एक बोरी रखते थे जी, और वो उसको जब भी किसी के पास जाते थे तो लोग कहते आओ जी और बैठो, चारपाई होती थी उन दिनों, कुर्सियाँ वगैरह का जमाना नहीं था गांव देहात में, तो वो वहाँ नहीं बैठते थे, वो बोरी नीचे बिछा लेते और जब भी कोई चाय पानी उनको वो कहते इसमें डाल दो। नाम बताया अमर सिंह धनक। हाँ, यही स्टाइल जगदीश नायर का था। नहीं ऐसे बहुत होटल में जगदीश नायर थे, 96 में चुनाव लड़ा जी, और वो बताते थे एक गिलास अपने साथ लेके चलता था, हाँ, बस दादाओं नीचे बैठ जाते थे, हाँ, हर चुनाव में नीचे बैठ के, और जनता को ऐसा नीचे बिठाया उन्होंने, फिर वो 5 साल नायर साहब ने भी। अब जनता समझती तो है लेकिन कुछ समय तक हो सकता है भ्रमित हो जाती है या क्षणिक वो बह जाती है। अच्छा, हमने जो देवीलाल कहते थे ना कि जनता को समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना आसान है, तो ये शायद बहकाने की कला हो। जनता को समझाना बड़ा मुश्किल है जी, बरगलाना, बहकालाना, भ्रमित कर देना ये बड़ा आसान है, बड़े आराम से कर लिया जाता है। मैं आपको बता रहा था, एक नेताजी, उनका नाम नहीं लूंगा मैं आपको जी, मुझे किसी ने कहा उनके साथ के लोग थे जी, वो नेताजी चुनाव में जाते थे और वो कहते थे कि भाई फलाने से मत पिटवाओ, वो तुम्हें पीट लो, और वो हाँ ग्लिसरीन लोग कहते थे, ग्लिसरीन से वो आंसू आ जाता है कुछ। वो आपके ही पलवल में था ऐसा कुछ, चलिए कहीं भी हो वो, छोड़ो उसको बाद में चर्चा, मतलब ये सब कुछ चलता है जो जी। हाँ, मैं जानना ये चाह रहा हूँ सुरजेवाला जी जी, ये राजनीति का कौन सा स्तर है? गिरा हुआ स्तर है। और मैं तो ये कहूँ राजनीति को लोगों ने पवित्रता की, तो राजनीति का शब्द से बहुत दूर तक का रिश्ता हो गया है। अब जो जो देश की आज़ादी से हम निकले और उस वक्त लोगों को शर्म भी थी और राष्ट्रवाद जिसको आज ये कह रहे हैं वो राष्ट्रवाद था, लोगों को प्यार था। देखिए मैं इस बात पर मैं जी मैं ये मानता हूँ कि सबके अपने अपने फॉलोइंग हो सकती है, किसी को कोई नेता पसंद हो सकता है, किसी को ना पसंद हो सकता है जी, बिल्कुल। गलती के नाम पे वोट मांगना, दूसरे के माफ़ी के नाम पर वोट मांगना, हाँ गलती हो गई माफ़ी दे दो जी, हाँ बिल्कुल, गलती हो गई माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो, बहुत भूल करी है माफ़ी दे दो, और आगे फिर वही, या तो ये दूसरा जो आ रहा है चुनाव मैदान के अंदर, वो लंबा लेटना, उल्टा लेटना, सीधा लेटना, रोना धोना, आंसू गिराना, ये कौन सा स्तर मतलब राजनीति का बनता जा रहा है? गिरता हुआ सत्र है और पाखंड है, और सीधा सीधा ये कहिए कि लोगों को गलत, मतदाताओं को क्या करना चाहिए? मतदाताओं के ऐसे पाखंड से, ऐसे जो है ना ढोंग, इनसे दूर रहना चाहिए और इन बातों को
मतलब ना पसंद करें। जो व्यक्ति आज आपको ऐसा संदेश दे, जो व्यक्ति आज आपको रो कर दिखा रहा है, मेरी सोच ये कि वो 5 साल आपको रुलाएगा, रुलाएगा और रुलाते रहे हैं। जो आज आज आपको रो कर दिखा रहा है, रो कर वोट मांग रहा है, वो 5 साल रुलाएगा। ये तो जो आदमी आपको लेट कर वोट मांग रहा है, वो 5 साल आपको लिटाएगा। यस बिल्कुल, ऐसा होता रहा है और हो रहा है। होना ये नहीं चाहिए कि व्यक्ति कोई भी कैंडिडेट हो, अपना व्यक्तित्व को रखे, पार्टी की विचारधारा, व्यक्तित्व, अपनी विचारधारा, अपने काम, और इस पर मैं करना चाहा। पुराना एक टाइम था जी, मैक्सिमम राजनेता जो थे जी, चाहे वो बहकाने वाली बात भी होती थी, वो भी बड़े अलग अंदाज में कहते थे। नहीं, मेरे को याद आ रही है 1972 में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे और मैं उस वक्त स्टूडेंट था, तो मैंने उनकी एक सभा हिसार में रामलीला जो वो है कटरा बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमने गलतियाँ हुई हैं हमसे, हम मानते हैं और जनता हमारी टीचर है, हम स्टूडेंट जैसे कहते हैं हम पढ़ते थे, और एक बच्चा गलती करता है तो टीचर उसको गलती को सुधारने के लिए उसको कहता 5 बार इसको लिखो दोबारा से लिखो जी, कहता हम लिखते थे। अब आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हमसे गलती हुई है, भूल हुई है, हम उनका सुधार करेंगे और आप हमें बताइए, और हम खुद इस चीज़ का एहसास करते हैं, उन गलतियों को अपने को दोबारा लिख के सुधार करेंगे, उनको मिटाएंगे। तो वो ठीक है, उनकी नीयत को बताता है कि भी ये बंदा जो चूक हुई है उसको आगे नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास वो जनता में जता रहे थे। ठीक बात है, और वो लग रहा था कि भी ऐसा है। अब ये आपने ठीक कहा कि भाई भूल हुई है, हमसे माफ़ी दे दो, और क्यों भाई आपको पहले इस चीज़ का आभास नहीं हुआ? बहुत से ऐसे मसले हैं हरियाणा में, हर बार ऐसा हो रहा है। नहीं, एक चल सकती है बात, कोई व्यक्ति अगर एक बार बना हो, हार गया हो, तीसरी बार फिर मैदान में आए, वो कहे कि देखो ये मेरी गलतियां थी भाई, मैंने उनको सुधार किया है। वो कहते हैं ना, आदमी गलती का पुतला है, वो तो गलती तो हर इंसान हो जाती है, होती है और आगे भी होने का अंदेशा है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आदमी परफेक्ट है, उससे गलती हुई नहीं, आगे नहीं होगी, गलतियाँ हुई है, गलतियाँ होने का अंदेशा है, बट उसका आभास तो करें, उसको महसूस तो करें, उस गलती को दोहराए तो ना जी। जो हो रहा है कि ये दंडवत, लेटना, लिटाना, आंसू बहाना और इससे वोट मांगना, ये तो मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, मैंने कई आज इस चुनाव का मैं रंग बताऊं, मैंने कई देखे लोग जी जिनका टिकट कटा जी, वो इमोशनल हुए, मैं मानता हूँ, देखिए इमोशनल जायज है, जब पार्टी में काम किया है और टिकट कट गया तो वो जनता के बीच में, तो इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक नेचर है, नेचर है उसमें, उनको लगता है कि भाई जिसके लिए हमने कमाई की, ह्यूमन बीइंग है। आज आज उधर एक अंतिल साहब ने पार्टी छोड़ी कांग्रेस, और वो कह रहे थे कि मैंने कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके कांग्रेस को सींचा, मुझे मेरे साथ गलत हुआ, तो वहां तक तो इमोशनल ठीक है। नहीं, इमोशनल तो ठीक है, जमीन बेच के किसने कहा था भाई आपने, और ये सेवा करना है, और फिर ये बात तो है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि मैंने जमीन बेच के सेवा की। हाँ। क्या सेवा की है भाई जमीन बेच, सोच रहे होंगे जमीन डबल बन जाएगी आगे। हाँ, वो अलग है, और ये सोच क्या है, तो वो गलत है। आज एक किला भेज दो, कल चार, सेवा बहुत लोग करते हैं। हाँ, तभी तो खैर, देखिए ललित नागर रोए, कोई बात नहीं, उनकी टिकट कटी, उसके बाद रोए, स्वाभाविक है, उनको इस चीज का होना होता है, मैं भी कह रहा हूँ इमोशनल आदमी हो जाएगा, या उनको इस चीज का तकलीफ दुख कह, शारदा राठौर रोई को। हाँ। पर जिनको टिकट मिल गया वो रोए। हाँ, पंचायत करके रोए, बिल्कुल जनता में जाके रोए जी, लंबे लेट के रोए जी, घुटन होके रोए, ये रोना धोने वाला ये जो सिस्टम है बहुत अच्छा। सुरजेवाला जी, एक तो ये हो गया जी, जो लेटना, रोना, धोना, एक और होता है, नेताजी सभा में जा रहे हैं जी, भीड़ इकट्ठा है, भीड़ इकट्ठी करना, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। हाँ। उसमें यंग भी है, टीनेजर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जी, और लोक कलाकार जो हैं हमारे रागनी वाले, कहा जाता था कि भीड़ जो रोकने के लिए, जमा करने के लिए रागनी गायक बुलाए जाते थे, जो देशभक्ति की रागनी और भजन गाते थे, ज्यादा होता था तो मीरासी कह देते उनको, कि नेता की शान में कसीदे पढ़ना। आज क्या कल्चर हो गया, आज तो लड़कियां बुलाई जाती हैं वहां पर, उसमें अश्लील नृत्य होता है, भद्दे इशारे होते हैं, भद्दे इशारे करती हैं जी, और वो
पर कई बार तो उसमें नेता भी, ये वीडियो भी देखिए, आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो उसमें नेता भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी नाचने लग जाते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात। अच्छा इतना है। नहीं नहीं, आपने जैसे जिक्र किया, हमने देखा है बचपन में जो जलसे होते थे उसमें जलसे की कार्रवाई शुरू होने से पहले भजनी आते थे, भजनी आते थे और वो भजन ऐसे गाते थे, और उन भजन के माध्यम से बहुत सी जगह ये भी था वो नेताओं के गुणगान भी गाते थे, पार्टी के काम की भी। एक गहरा चांद हमारे नेता थे, नहीं चांद गांव के कहते थे मीरा सिंह है भैया, तो शान में कसीदे पढ़ने इनको। तो अब तो आपने जैसे जिक्र किया है कि भाई अश्लीलता, हाँ, और नेता हाँ, भी नाचने ठुमके और भीड़ को इकट्ठा करना, तो भाई ये एक तो ये वाला स्वरूप है, एक दूसरा भी है जी। दूसरा ये कि नोट भी खाए रहे, एक होता, दूसरा था धार्मिक, धार्मिक भावनाएं भड़काना। हाँ, धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए बिल्कुल भजन करेंगे, करवाएंगे, कीर्तन करवाएंगे। अभी पिछले दिनों कुरुक्षेत्र का चुनाव जीत गए हमारे नवीन जिंदल जी, एक वो है वो फ्रॉडी बाबा, क्या है वो बच्चा, वो बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, हाँ बागेश्वर। मैं कहूँ क्या सतर चला गया लोगों का। मनोज तिवारी भी कह रहे थे बागेश्वर बाबा को लाएंगे यहाँ पर। खैर हम किसी को क्यों फ्रॉडी और ढोंगी कहें, क्यों नहीं भाई, जो सच्चाई देखे उसमें, मुझे इससे सच्चाई से कहने में कोई मुझे संकोच नहीं, कोई मुझे डर नहीं इस बात का। आप उनके वो देखिएगा, इससे ज्यादा लोगों की धार्मिक भावना क्या है, उसको क्या ठेस लगी है? भावना को कोई ठेस नहीं, बंदे को ठेस है जो गलत प्रचार करते हैं, गलत झूठ। भजन कीर्तन में करता पलवल में हुआ अभी। नहीं नहीं, उन्होंने कुरुक्षेत्र में 3 दिन लगाए और मोटी फीस, दरबार लगा, मोटी फीस चार्ज करते हैं वो, पैसा 60 लाख रुपए लेते हैं वो एक दिन का, एक प्रोग्राम का। हाँ, और उनको चुनाव में उनको बढ़त मिली। अब जो है गोपाल कांडा जी ने उनको आमंत्रित किया शिरसा में। मैं बता रहा हूँ, फरीदाबाद मनोज तिवारी कल आए थे, कहने लगे उनको लेके आऊंगा, रिंकिया के पापा कह रहे थे। चलिए अच्छा, एक और वो बता रहा था भजन कीर्तन के हिसाब से, मैं आध्यात्मिक धार्मिक महत्व तो है जी, हम सनातनी है, सनातन को मानते हैं बिल्कुल, हिंदुत्व को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं बिल्कुल। ये हमारी जो आस्था है जी, जो धर्म है जी, ये निजता का है। हाँ, हम अपना माने, औरों का सम्मान करें, सब चलता है, सब कुछ है। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर भी एक तरफ तो जो मैंने बताया आपको ठुमके ठुमके वाला, वो आपको दिखा भी दिया, वीडियो भी दिखा दिया एक जगह का जी। दूसरा क्या होता है कि वो राधा कृष्ण बना देंगे, शिव पार्वती बना देंगे, वो आएंगे, वो फिर उनके जरिए भीड़ इकट्ठी होगी, महिलाओं को, लड़कों के लिए तो, पुरुषों के लिए तो वो हो गई, हाँ बालाएं जो नृत्य करने वाली, उनके लिए ये स्वरूप आ गया उनका। हाँ, और अगर और ज़्यादा होगा तो फिर कन्हैया मित्तल आ जाएंगे जी। तो ये जो है सब कुछ गलत है ना, ये देखिए जो जिन नेताओं ने देश की बागडोर संभाल ली है, वो विकास की बात करें, वो एक भविष्य का रोड मैप लेके आए और जनता के अंदर रखें अपनी बात। क्या इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना नहीं चाहिए? चुनाव आयोग टीएन सेशन के बाद चुनाव आयोग नहीं रहा। अब इसी से जुड़ा हुआ है, बात बहुत लंबी है, बहुत दूर तक चली जाएगी। इंदिरा जी का चुनाव जो हुआ था उसमें जो राजनारायण ने पटिशन दायर किया इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसमें 3 मुद्दे थे, वो लंबी बात है। एक उसमें ये भी था कि गाय बछड़े का उनका चुनाव चिन्ह था, और ये आरोप लगाया कि हिंदू बेल्ट है ये, काऊ बेल्ट है उत्तरी भारत, और इंदिरा जी ने जो चुनाव जीता है वो मेल प्रैक्टिस के, भी वो गाय बछड़े का चुनाव से उन्होंने वोट जोड़ लिया उसको, और वो चुनाव इसलिए जीती, वो पटिशन लगी थी कोर्ट में और उनका इलेक्शन निरस्त हुआ था। हाँ निरस्त हुआ था, इस पॉइंट पे तो नहीं हुआ था, वो यशपाल का इलेक्शन निरस्त हुआ, लेकिन ये उसमें 3 पॉइंट में से एक था, ये भी थी। हाँ, लेकिन वो तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ये सिंबल दिया है और ये तो और जगह भी है, और तो मतलब शॉर्ट में जाए तो क्या, लेकिन वो ये इलेक्शन कमीशन, ये एक मुद्दा बना, इलेक्शन पिटीशन का तो हुआ, चर्चा हुई, चला ये, लेकिन आप तो धर्म के नाम से सीधे सीधा वोट मांगी जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ, क्या चुनाव आयोग को इन सब पर संज्ञान लेना नहीं चाहिए? लेना ही चाहिए, लेना बिल्कुल लेना चाहिए। आज बहुत सी जगह है लोग, पता नहीं अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त बता रहे थे, मेरे पड़ोसी हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई मैंने एक वीडियो देखी और सुनी कि रामकुमार गौतम सफेदों से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो
ब्राह्मण जाति से है वो मुझे वोट दें, जो मुझे वोट नहीं देता उनका आगे बीज का नाश हो, और कई तरह की और बातें कही। तो इस तरह का ये पलवल में वोट, वो दादा रामकुमार गौतम है, पलवल में गौतम वोट मांग रहे थे जी। श्याम बाबा का दरबार सजा हुआ था, कन्हैया मित्तल भजन गायक थे, उन्होंने कहा कि श्याम बाबा के दरबार में हो वोट दोगे ना, कसम खाओ जिताओगे ना। कसम तो सीधे नहीं बोला कि यहाँ जो झूठ बोलता है पर वो उसका सत्यानाश होता है कुछ भी कहना वही है। तो ये सारी बातें चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान और उनका निरस्त कर देना चाहिए कल्चर जी। मैं तो यही कहूँगा जी जी जी। ठीक है, ये उदाहरण है, ये आपको तमाम विधानसभाओं में ऐसा देखने को मिलेगा जी। आप देख रहे होंगे आपके दरबार में जो वोट की अपील करने नेता आ रहे हैं उनके कई प्रकार के ऐसे रंग होंगे। होना ये चाहिए कि आप अपने कैंडिडेट से पूछें कि उनका एजेंडा क्या है। आप कैंडिडेट से पूछें कि अगर वो पुराने नेता हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएँ कि उन्होंने काम क्या किए थे, और उसके आधार पर आप फैसला करें। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।